तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान का पीएम बनने से पहले शहबाज शरीफ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के समर्थकों का अब टूटा सब्र का बांध, अखिलेश यादव के खिलाफ रामपुर में खोला मोर्चा, समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले बाबा ने 24 घंटे में टेक दिए घुटने, एफआईआर दर्ज होते ही मुस्लिम महिलाओं से मांग रहा है माफी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा मुसलमानों ने 800 साल भारत पर किया शासन, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, लेकिन बीजेपी के शासन में हिंदू खतरे में आया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में सरकार गिरने के बाद इमरान खान और उनकी सरकार के अधिकारियों के विदेश जाने पर लगी पाबंदी, इमिग्रेशन को रखा गया है हाई अलर्ट पर। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एआईएमएम के पूर्व जिला अध्यक्ष ने दी हिंदू बनने की धमकी, कहा सीएम योगी पर है पूरा भरोसा, ओवैसी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान का पीएम बनने से पहले शहबाज शरीफ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका पाकिस्तान से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को झटका देते हुए कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, जो कश्मीर विवाद के समाधान होने तक संभव नहीं है। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि इमरान खान भी अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीर का मुद्दा मुस्लिम देशों के सामने उठाते रहते थे और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहते थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का चयन आज होगा, जब नेशनल असेंबली इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद फिर से बैठक करेगी। संयुक्त विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ पीएम पद के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना अब तय माना जा रहा है। इधर इमरान खान की विदाई के बाद पीटीआई से शाह महमूद कुरैशी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे। गौरतलब है कि मुल्क के 22वें प्रधानमंत्री खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया गया है और वह पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए गए पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से पाकिस्तान ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के समर्थकों का टूटा सब्र का बांध, अखिलेश यादव के खिलाफ खोला मोर्चा, सपा पर लगाए गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 वर्ष से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के समर्थकों का सब्र का बांध अब टूट गया है, जिसके चलते यूपी के रामपुर में आजम खान के समर्थकों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के प्रति काफी नाराजगी दिखाई दी है। इतना ही नहीं, समर्थकों ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि रामपुर से 10वीं बार समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए आजम खान बीते 2 वर्ष से जेल में बंद है। दरअसल आपको बता दें कि आज दिन में रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलाई गई बैठक में आजम खान के मीडिया प्रभारी ने कहा कि रामपुर के साथ पास के कई जिलों के तमाम मुसलमानों ने आजम खान के कहने पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन अब अखिलेश यादव मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं। आजम खान तो 2 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और अखिलेश यादव केवल 1 बार मिलने उनसे जेल गए। उन्होंने कहा कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष तक समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया और ना ही मुसलमानों को समाजवादी पार्टी कोई तवज्जो दे रही है। अखिलेश यादव को अब हमारे कपड़ों से बदबू आती है। आजम खान जब जेल से रिहा होंगे तब हम उनसे बात करेंगे कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़ दो और किसी अन्य पार्टी में चले जाओ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुत्व की राजनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा 800 साल मुगलों ने किया देश पर राज, तब नहीं आया हिंदू खतरे में। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली नीति को लेकर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 800 साल मुसलमानों का शासन भारत पर रहा, 190 साल अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन तब हिंदू खतरे में नहीं आया। 7 साल से आरएसएस और बीजेपी का शासन आया है और हिंदू खतरे में आ गया है। जरा सोचिए कि ये जुमला नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार सहित भाजपा शासित राज्य लगातार हिंदुओं को इस बात को लेकर सतर्क कहते रहते हैं कि आप खतरे में हो, अगर हमारी सरकार नहीं हुई, बीजेपी की सरकार भारत में नहीं हुई, तो आपको मुसलमान बना दिया जाएगा। और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में सरकार गिरते ही इमरान खान
खान के विदेश जाने पर लगाई सेना ने पाबंदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान उनके खिलाफ 174 वोट पड़े, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं। अब पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री की कवायद शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि आज पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। लेकिन इस बीच इमरान खान के पीएम पद से हटते ही उन पर कई तरह की पाबंदियां लगना शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये है कि इमरान खान और उनकी सरकार के मंत्री और परिवार के लोगों के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रमुख जांच एजेंसी FIA ने इमरान खान से जुड़े किसी भी सरकारी अधिकारी और खुद इमरान खान के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए जांच एजेंसी ने इमरान सरकार के सभी अधिकारियों के लिए NOC सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि इमरान खान और उनकी सरकार के किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति को विदेश न भेजा जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इमरान खान पूरी तरह से पाकिस्तान में फंस गए हैं और इमरान खान के देश से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में AIMM के पूर्व जिला अध्यक्ष ने दी हिंदू बनने की धमकी, कहा CM योगी पर है भरोसा। जदोसा आपको बता दें कि मुरादाबाद में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुबेद और उनकी पत्नी ने घर में संपत्ति विवाद से परेशान होकर धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनने की धमकी दी है और कहा है कि उन्हें योगी जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे उन्हें परेशान कर रहे हैं। रुबेद ने SSP को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाले AIMM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुबेद और उनकी पत्नी समीना परवीन ने अपने परिवार के लोगों से परेशान होकर और कहीं से न्याय नहीं मिलने पर हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है। यही बातें उन्होंने प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुरादाबाद के SSP से भी कही है। AIMM के पूर्व जिला अध्यक्ष रुबेद का आरोप है कि उनकी बहनें और जीजा उन्हें परेशान कर रहे हैं और मकान से निकालना चाहते हैं। उस मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इसी वजह से उनकी बहनें और उनके जीजा मकान पर कब्जा करने की नियत से उन लोगों पर कई केस भी लगवा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 महीने जेल काटने के बाद भी कालीचरण महाराज के नहीं बदले सुर, बोले गांधी से मुझे है नफरत, बयान पर नहीं कोई पछतावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी पर विवादित बयान देकर 3 महीने जेल काटने वाले कालीचरण महाराज के सुर अब भी नहीं बदले हैं और कालीचरण महाराज ने जेल से रिहा होने के बाद गांधी पर फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे गांधी से नफरत है और अपने बयान पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। वहीं आपको बता दें क्योंकि बीते दिनों ही इन्होंने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि जेल से 3 महीने के बाद रिहा होने के बाद कालीचरण महाराज ने कहा है कि जिस गांधी ने शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह को पट भ्रष्ट देशभक्त कहा, उस गांधी से मुझे नफरत है। उन्होंने इससे पहले भी महात्मा गांधी को लेकर बयान दिया था। यही नहीं, कालीचरण महाराज जेल से रिहा होने के बाद कथित तौर पर धारदार हथियार को लहराते हुए भी नजर आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कालीचरण महाराज के फिर भी सुर अब नहीं बदले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुवैत के बाद अब कतर में बैन हुई थालापति विजय की फिल्म बीस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय की अपकमिंग फिल्म बीस्ट के ट्रेलर ने यूट्यूब पर धमाल मचा रखा है। इसी के साथ ही फैंस को अपने सुपरस्टार विजय की फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। 13 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म बीस्ट को बड़ा झटका मुस्लिम देशों से लगा है। फिल्म की स्टोरी को लेकर इस्लामिक देश कुवैत ने पहले ही इसे बैन कर दिया है। अब एक और देश में विजय की फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में दिखाए गए टेरर एंगल से कई मुस्लिम देश नाखुश हैं। बताया जा रहा है कि इसी के चलते पहले कुवैत ने और अब मुस्लिम देश कतर ने इस फिल्म को रिलीज होने पर बैन अपने देश में लगा दिया है। इतना ही नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी फिल्म से खुश नहीं दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये भी फिल्म पर कभी भी बैन लगा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो JNU में मीट खाने को लेकर फिर से हुआ बवाल, आपस में भिड़े छात्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्रों के बीच झड़प हो गई है। आरोप है कि ABBP के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज खाने से रोका, इसके बाद लेफ्ट छात्रों का विरोध शुरू हो गया और वहीं दोनों में मारपीट शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक JNU में आज रामनवमी के मौके पर कई छात्र पूजा और हवन कर रहे हैं। इस दौरान कावेरी हॉस्टल की मेस में जो है नॉन वेज परोसा जा रहा था, जिसको लेकर ABBP के छात्रों ने एतराज जताया और इसका विरोध किया। लेकिन आपको बता दें कि लेफ्ट छात्रों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमारी मर्जी, हम चाहे नॉन वेज खाएं या वेज खाएं।
खाएं, आपको इससे क्या तकलीफ। इसी को लेकर एबीपी के छात्रों ने इन छात्रों पर हमला कर दिया और दोनों ही छात्र आपस में भिड़ गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हॉस्टल में मीट खाने से रोका तो किस तरह से एबीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो FIR दर्ज होते ही बोला रेप की धमकी देने वाला बाबा, माफी मांगता हूँ गलती हो गई। यह दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास ने बीते दिनों मुस्लिम महिलाओं का रेप करने की खुलेआम धमकी दी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर FIR दर्ज की और अब FIR दर्ज होने के बाद महंत बजरंग मुनि ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। माफी मांगते हुए महंत ने एक वीडियो भी जारी किया है। माफी मांगते हुए महंत ने कहा कि अगर मेरी किसी भी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं सभी माता बहनों से क्षमा मांगता हूं। मैं सभी नारी जाति का सम्मान करता हूं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों उत्तर प्रदेश के खैराबाद में इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था और खुलेआम धमकी दी थी कि अगर किसी भी मुसलमान ने हिंदू बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो वह मंदिर और मस्जिदों के सामने आकर मुस्लिम महिलाओं का रेप करेंगे। इसके बाद इनके ऊपर FIR दर्ज हुई और अब बुरी तरह से ये बाबा गिड़गड़ाने लगा है। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने।